अरे वाह, अद्भुत। वहां द्वारका में तुम्हारे स्थान पर कोई और बैठा है और तुम यहाँ चैन से बंसी बजा रहे हो। जब राधा ही सब संभाल रही हैं, तो मेरे लिए चिंता की बात ही क्या। देखो मैं क्या लाई हूँ। खीर? हाँ, पर क्या तुम्हें ज्ञात है किस खीर को बनाने में किसने हाथ बटाया है? मुझे ज्ञात है कपटासुर ने, और मुझे ये भी ज्ञात है कि कपटासुर चाहता था कि वही इस खीर को सबसे पहले चखे। क्यों? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? राधा ने खीर बनाई है तो सबसे पहले तो कृष्ण ही चखेगा ना। जैसे राधा की इच्छा। अब प्रतीक्षा करते करते थक चुका हूं राधे, खीर ला भी दो। इतना भी समय कहां लगता है खीर लाने में। अद्भुत, आनंद ही आ गया। राधा, खीर तो बन चुकी, फिर राधा कहाँ चली गई? तुम रुक क्यों गई? और खिला? मैंने तुम्हें भूख लगाना था ना, लगा दिया। अब शेष तुम स्वयं खा लो। नहीं, अब तो पूरी की पूरी खीर तुम ही अपने हाथों से मुझे खिलाओगे, मैं नहीं मानने वाला। राधा, राधा गई तो गई कहां पे? लो, सारी खीर समाप्त हो गई। सारी मैंने स्वयं अपने हाथों से ही खिला दी। यहाँ इस कोने में थोड़ी खीर शेष है। रुको, क्या करती हो राधा? अब समाप्त भी करो कृष्ण, मुझे शीघ्र ही कपटासुर के पास भी जाना है। हाँ हाँ, खिला दो। तो वास्तविक कृष्ण लौट आया है और राधा सब जानती है, पर राधा मेरे साथ खेल खेल रही है। नहीं, ये तो छल है मेरे साथ। क्या चल रहा है इन दोनों के मन में? बा, अत्यंत स्वादिष्ट। देखा कितनी अच्छी खीर बनाई है कपटासुर। बनाई तो तुमने है, कपटासुर ने तो बस सीखा है। पर सीखा तो सही ना, और तुम ही बताओ कौन असुर खीर बनाना जानता है भला? अब ऐसे देखा तो नहीं है, चलो मान लिया कि कपटासुर ने खीर बनाना सीख लिया। किंतु खीर की मिठास में एक भाव होता है प्रेम का, क्योंकि तो स्वाद व्यंजन से नहीं प्रेम से ही आता है। तुम्हें लगता है कि वो ये बात समझ पाएगा? तो ये संदेह है कि मैं ये कर नहीं सकता। कपटासुर अवश्य कर सकता है कृष्ण। वो अवश्य ही ऐसा कर सकता है, उसने स्वयं मुझे प्रेम से खीर बनाते हुए देखा है। यदि वो खीर बनाना सीख सकता है तो प्रेम क्यों नहीं। और अब देखना, वो शीघ्र ही तुम्हारी भांति केवल दिखेगा ही नहीं, अपितु तुम्हारी तरह प्रेम को समझेगा भी। और इसी में मेरी जीत होगी।
सत्य कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि कपटासुर ये बात समझ पाएगा, और जो तुम कह रही हो वह संभव है। किंतु हाँ, राधे को कभी कोई कार्य करने से मैंने कभी नहीं रोका। तुम्हें जो उचित लगे तुम करना। अब मैं चलती, मुझे कपटासुर को भी खीर देनी है। कृष्ण राधा के कान भर रहा है। राधा तो मुझसे प्रेम करना चाहती, मुझसे प्रेम करना चाहती और मुझसे प्रेम करेगी, किंतु ये कृष्ण ये उसे रोक रहा है। तो क्यों ना मैं इस कृष्ण को ही मार्ग से हटा लूं। तो निर्णय हो चुका है, अब इस आने वाली पूर्णिमा से पूर्व होगा कृष्ण का अंत। इस बार का पूर्ण चांद ये द्वारकाधीश कृष्ण नहीं देखेगा। सारथी, महाराज शालु के राज्य ले चुके। क्या शालु के राज्य की ओर? तुम ठीक से सुनते नहीं हो। तुमसे क्या कहा मैंने? शालु का राज्य जिस दिशा में है, पूर्व दिशा, उस दिशा में चलना है। चलो। जी महाराज। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि कान्हा शालु के राज्य की ओर ही गया? हाँ दाऊ जी। सारथी रथ यहीं रोक दो। द्वारकाधीश, ये तो शत्रु राज्य की सीमा है। मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो, यहां से मैं सब संभाल लूंगा। निश्चिंत रहो और यहां से लौट जाओ। जी द्वारकाधीश। यहीं रोको। कान्हा तो शाल्व के राज्य की सीमा के भीतर जा रहा है। हम यहीं रुको। ये तो शाल्व की नगरी है। शाल्व की नगरी के भीतर क्यों जा रहा है? मुझे देखना होगा कि यहां चल क्या रहा है। कान्हा तो शाल्व का शत्रु है। फिर शाल्व के सैनिक, इनके मध्य से कान्हा कैसे जा सकता है? ना कोई उस पर आक्रमण कर रहा है और ना ही कोई उसे बंदी बनाना चाह रहा है।
मुझे तो ये कृष्ण प्रतीत ही नहीं हो रहा है। कप्तासुर की जय। कप्तासुर की जय। कप्तासुर की जय। कप्तासुर की जय। तो ये कप्तासुर है, किंतु क्या ये बात राधा और कान्हा को ज्ञात है? और यदि ये यहाँ है तो मेरा वास्तव कान्हा कहाँ है? कृष्ण देखना, शीघ्र ही ऐसी बांसुरी कप्तासुर भी बजाएगा, और कपट से नहीं प्रेम के सुर से। हंस रहे हो शाल? वो कप्तासुर जिसने हमसे छल किया वो यहां आ रहा है, और तुम उसके स्वागत के लिए सज हो। है तो अपना ही ना आचार्य, एक असुर को प्रेम हुआ है तो उसे राधा को ले जाने दीजिए, द्वारिका आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। प्रतीत होता है कि कप्तासुर की भांति तुम्हारा भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्षमा आचार्य, क्षमा कीजिए मेरे वृद्धाचार्य। मेरे स्वामी है ही अद्भुत, क्या कर सकते हैं? ये मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं जितना मैं उनका रखता, इनकी मानसिक स्थिति कभी नहीं बिगड़ सकती। स्वागत है मित्र, स्वागत है। मैं जानता था कि तुम मेरे पास अवश्य लौट कर आओगे। प्रिय मित्र, मेरा विमान चुराने का दुस्साहस किया तुमने। जब अपना श्वान स्वयं को काटने लगे तो उसे मार डालना ही उचित होता है। कप्तासुर!